Welcome you all in the Bagadiyawal Vidya Niketan online classes. In last video we read about number system in computer. Today the next is number conversion. आज अपन बात करेंगे कि कैसे अपन एक पर्टिकुलर नंबर को दूसरे नंबर में चेंज करते हैं. जैसा कि अपन ने पढ़ा था कि नंबर सिस्टम आर फोर टाइप्स, बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल. तो आज अपन बात करेंगे हाउ टू कन्वर्ट अ डेसिमल टू बाइनरी. तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, डेसिमल टू बाइनरी अपन कन्वर्ट करते हैं तो जनरली अपना जो क्वेश्चन आता है वो कुछ इस प्रकार आता है कि अगर 102 ये अगर डेसिमल नंबर है तो इसके इक्वल बाइनरी नंबर क्या होगा. तो यहाँ पे अपन ने कैसे किए, अपन ने 102 को 2 से डिवाइड किए, जो जो रिमाइंडर आ रहे हैं वो अपन ने इधर लिखे हैं और जो अपन ने डिवाइड किया वो वैल्यू अपन ने यहाँ पे लिखी है. तो देख रहे हैं अपन 2 से अगर फर्स्ट टाइम अपन डिवाइड करते हैं 102 को तो यहाँ पे ये पूरा पूरा इसमें जो डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे 0 रिमाइंडर आ जाएगा. ओके, और यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 51, क्योंकि अगर अपन देखें रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचता 102 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो. नेक्स्ट अगेन अपन क्या कर देंगे, 2 को 51 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे 1 रिमाइंडर आ जाता और यहाँ पे 25. नेक्स्ट अगेन अपन करेंगे 25 को तो यहाँ पे 1 रिमाइंडर आ जाएगा और यहाँ पे 12 टाइम ये डिवाइड हो जाएगा. नेक्स्ट अगेन अपन करते हैं तो 2 को डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे 6 से करते हैं तो यहाँ पे 0 रिमाइंडर है और यहाँ पे 3 आ जाएगा. अगेन आप करोगे तो अपन 3 को डिवाइड कर रहे हैं 2 से तो यहाँ पे 1 रिमाइंडर आ जाएगा और 1 टाइम ये डिवाइड भी हो जाएगा. इसको अपन वैल्यू को लिखेंगे, जब इसका आंसर आएगा तो अपन इसको लिखेंगे बॉटम टू टॉप लिखेंगे. तो बॉटम टू टॉप अगर लिखते हैं तो सबसे पहले अपने पास वैल्यू रहती है 1, उसके बाद रहती है 1 अगेन, फिर 0 0 1 1 0. तो ये आपका डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन. और एग्जांपल देखते हैं अपन, अपने पास 25 है, 25 को अपन को क्या करना है, बाइनरी में चेंज करना है. तो कैसे करेंगे, 2 से डिवाइड करते हैं अपन, 2 से डिवाइड करते हैं तो फर्स्ट टाइम इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा और यहाँ पे 12 आ जाएगा. अगेन 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 है. ओके, अगेन अपन 2 से डिवाइड करते हैं तो अगेन 0 रिमाइंडर आएगा क्योंकि 6 में वो आपका डिवाइड पूरा पूरा हो जाएगा. नेक्स्ट आप क्या करोगे, 3 से डिवाइड करोगे, 3 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 रिमाइंडर आ जाएगा. ओके, 1 टाइम ये इसमें डिवाइड हो जाएगा. नेक्स्ट आप 2 को अगेन डिवाइड करोगे तो अगेन वैसे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, इसको आप लास्ट वैल्यू भी ले सकते हो, वरना आप चाहो तो इसका रिमाइंडर भी यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है, जैसा कि अपन ने पहले किया था. तो इसको अगर अपन देखें तो इसका आंसर क्या आएगा, बॉटम टू टॉप. तो यहाँ पे आंसर है 1 1 0 0 1. तो ये आपका डेसिमल टू बाइनरी. नेक्स्ट इज ये 20 है अपने पास, 20 को अपन अगेन डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 है. नेक्स्ट अगेन 10 से डिवाइड करते हैं तो सॉरी 10 को डिवाइड करते हैं तो अगेन 0 आएगा, ये 5 आ जाएगा. 5 को डिवाइड करते हैं तो 1 रिमाइंडर आता है. उसके बाद में अगेन अपन क्या करेंगे, 2 को डिवाइड करेंगे 2 से तो यहाँ पे रिमाइंडर तो 0 है और ये 1 टाइम अपना डिवाइड हो जाएगा. तो अपन वही वैल्यू अपन को बॉटम टू टॉप लिखनी है तो 1 0 1 0 0, तो ये अपना आंसर हो जाएगा. तो ये आपका डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन. तो जब भी आप डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो अपन क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे और जो भी रिमाइंडर आता है उसको अपन बॉटम टू टॉप लिखेंगे. तो ये अपना क्या होगा, बाइनरी. नेक्स्ट इज बाइनरी टू डेसिमल. अब अपन बात करेंगे कि कोई भी वैल्यू है वो बाइनरी से अगर अपन को डेसिमल में कन्वर्ट करनी है तो अपन कैसे करते हैं. तो देखिए, अपन ने जो फर्स्ट एग्जांपल लिया था उसमें अपन ने क्या किया था, 102 को अपन ने कन्वर्ट किया था बाइनरी के अंदर, तो अपना आंसर आया था 1 1 0 0 1 1 0. अब अगेन अपन क्या कर रहे हैं, अगेन अपन ये कर रहे हैं कि जो भी अपन ने वैल्यू 102 को कन्वर्ट की थी उसको अपन वापस किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं. तो यहाँ पे अपनी वैल्यू है 1 1 0 0 1 1 0, इसके इक्वल अपनी जो डेसिमल वैल्यू है वो अपन को कैलकुलेट करनी है. तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, अपन ने सबसे पहले यहाँ पे जो भी अपनी वैल्यू थी, बाइनरी नंबर थे, वो अपन ने लिखे हैं. अब अपन क्या करेंगे, जस्ट उसका अपोजिट करेंगे. अपोजिट यहाँ पे क्या करेंगे अपन, कि जब अपन ने डेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्ट किया तो अपन ने 2 से डिवाइड किया, इस बार अपन क्या करेंगे, 2 की पावर से अपन उसको मल्टीप्लाई करेंगे. मेरी बात दोबारा सुनिएगा, इस बार अपन क्या करेंगे, 2 की पावर से मल्टीप्लाई करेंगे. तो देखिए कैसे, अपन यहाँ पे वैल्यू लिखी है 1 1 0 0 1 1 0. यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिखा 2 की पावर 0. 2 की पावर 0 कितना होता है, 1.
वन इंटू जीरो, जीरो मतलब ऊपर वाली वैल्यू। यहाँ पे टू पी की पावर वन है, टू की पावर वन क्या होता है टू, और इसको अपन ने मल्टीप्लाई किया है वन से। अगेन अपन ने क्या किया है टू की पावर टू फोर, फोर को मल्टीप्लाई किया है वन से। अगेन टू की पावर थ्री है एट, एट इंटू जीरो, टू की पावर फोर सिक्सटीन इंटू जीरो, टू की पावर फाइव थर्टी टू इंटू वन, और टू की पावर सिक्स सिक्सटी फोर इंटू वन। इनको मल्टीप्लाई करके हर एक वैल्यू को अपन ने क्या किया ऐड, तो अपन देखते पा रहे हैं यहाँ पे 64 प्लस 32, 0, 0, 4, 2, 0, और यहाँ पे इसका टोटल आता है 102। इट मींस ये अपन ने क्रॉस चेक भी कर लिया है कि आपने जो डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट किया था उसको अगेन आप डेसिमल में कन्वर्ट करते हो, तो इट मींस ये क्या होना चाहिए इक्वल आना चाहिए, तो अपना आंसर 102 आ रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि अपन ने सबसे पहले डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट किया तो अपन ने 2 से डिवाइड किया, और अगर अपन बाइनरी से अगेन डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं 2 की पावर से अपन यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं हर एक जो आपकी डिजिट को। तो जनरली आप इस प्रोसेस को कंप्लीट ना लिखो तो भी चलेगा, पर अपन को ये ध्यान रखना है यहाँ पे 2 की पावर 0 में इट मीन्स 1 2 4 एडजस्ट, ये डबल होता जाएगा जहाँ तक आपकी वैल्यू है। उसके बाद अपन क्या करेंगे हर एक वैल्यू को ऐड कर लेंगे, किससे मल्टीप्लाई करके ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करके अपन उसको ऐड करेंगे, तो ये अपना आंसर यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे अपने पास है 11001, इसको अपन अगेन कन्वर्ट करते हैं, तो अगेन कन्वर्ट करते हैं तो अपन क्या करेंगे सबसे पहले 1 1 को 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई किए, इट मीन्स अपना आंसर आ रहा है 1, 0 को मल्टीप्लाई करते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अपने, ओके। नेक्स्ट अपन 1 को करते हैं तो 1 यहाँ पे 2 की पावर 3 है, इट मीन्स 1 इंटू 8 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, और नेक्स्ट अपना आ जाएगा अगेन 1, तो यहाँ की 2 की पावर 4 से अपन मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 1 इंटू 16। अब ये जो वैल्यू इनको अपन ऐड करेंगे तो अपना आंसर क्या आएगा 25। नेक्स्ट अगेन देखते हैं अपने पास बाइनरी नंबर है 1010, इसको कन्वर्ट करते हैं अपन डेसिमल में, तो यहाँ पे अपन देख पा रहे हैं सबसे पहले 0 0 इंटू 2 की पावर 0, 1 इंटू 2 की पावर 1, 0 इंटू 2 की पावर 2, और 1 इंटू 2 की पावर 3। इनको अगर ऐड करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 2 4 8, तो यहाँ पे 8 इंटू 1 इट मीन्स 8, यहाँ पे अगेन क्या आ जाएगा 2, तो 8 और 2 दोनों क्या होते हैं 10, तो ये अपना क्या है बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। थैंक यू।